जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और अब आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालने वाले हैं। वही जय शाह जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इनको क्रिकेट की भी सीढ़ी नहीं आती और ये भारतीय क्रिकेट को चला रहे हैं। जी हाँ, वही जय शाह अब आईसीसी को चलाने वाले, यानी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को अब जय शाह चलाने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर आज भी कन्विंस नहीं कि आखिर बीसीसीआई ने उन्हें सेक्रेटरी का ये पद क्यों दिया, जय शाह की क्या क्वालिफिकेशन है, जय शाह को किस आधार पर बीसीसीआई में सेक्रेटरी का पद मिला था और अब किस आधार पर आईसीसी का पद मिलने वाला है। तो देखिएगा, जय शाह के बैकग्राउंड की बात करें जिसका मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अब तक नॉलेज नहीं है। सबको ऐसा लग रहा था कि जब जय शाह सेक्रेटरी बने तो डायरेक्टली वो अमित शाह के बेटे होने के नाते सेक्रेटरी बन गए। क्रिकेट में उन्होंने कोई काम नहीं किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एक भी मैच नहीं खेले इंडिया के लिए। तो यहाँ पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और एक क्रिकेट प्लेयर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जय शाह की बात करें तो जय शाह का जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का करियर था 2009 में शुरू हो चुका था। गुजरात में एक जिला स्तर से उनका करियर शुरू हुआ और आज आईसीसी के वो चेयरमैन बन गए हैं। तो अगर आप ग्राउंड लेवल से देखें तो वहां से जय शाह लगातार काम करते हुए हैं। गुजरात क्रिकेट, उसके बाद इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट, यहाँ पर जय शाह की गाड़ी पहुंच चुकी है। जय शाह को समझने के लिए उनके पूरे करियर को समझना जरूरी है। जय शाह की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री होती है साल 2009 में, जब उन्होंने केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद के साथ जिला स्तर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वो गुजरात क्रिकेट संघ के कार्यकारी के रूप में राज्य स्तरीय प्रशासन में चले गए। क्रिकेट प्रशासन की तमाम बारीकियां समझने के बाद जय शाह 2013 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने थे। राज्य क्रिकेट प्रशासन में खुद को तपाने के बाद अब जय शाह बीसीसीआई में काम करने के लिए तैयार थे। इसके बाद ही बीसीसीआई के वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति में जय शाह को अहम जिम्मेदारी मिली। ये समिति सभी बड़े वित्तीय नीतिगत फैसले करती थी। इस समिति में काम करने के सदस्यों के साथ इस समिति के काम में सदस्य राज्य संघों के बीच राजस्व साझा करने का काम शामिल था। इसके बाद जय शाह 2019 में पहली बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। तब बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हुआ करते थे। अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। 2020 में और 2021 में कोरोना काल के बीच क्रिकेट ऑपरेशंस बेहद कठिन थे, लेकिन वहां पर जय शाह के लीडरशिप में तमाम तरीके से हमने देखा है क्रिकेट हुआ है। इसके अलावा जय शाह की उपलब्धियों की बात की जाए तो वुमेन्स प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाती है। हम देखते थे इंडिया में आईपीएल हो रहा था, सक्सेसफुल था, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट को जो बढ़ावा दिया गया जय शाह के लीडरशिप में उसे भी याद रखा जा रहा है। साथ ही एक दूसरा बड़ा बदलाव जय शाह के लीडरशिप में ये देखने को मिला है कि मेंस और वुमेन्स क्रिकेट की जो सैलरी थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन जय शाह सामने आया, उन्होंने कहा कि भाई सैलरी इक्वल होनी चाहिए और हमने देखा कि आज सैलरी इक्वल मिल रही है मेंस और वुमेन्स क्रिकेट की। इसके अलावा बीसीसीआई को फायदा उन्होंने बहुत ज्यादा कराया। हमने देखा कि बीसीसीआई की जो अर्निंग रही है, जो रेवेन्यू रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया जय शाह के लीडरशिप में। इसके अलावा वुमेन्स क्रिकेट के अलावा हम बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जय शाह ने काफी काम किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ पर हम देखते थे खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, आज डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छी खासी सैलरी खिलाड़ियों को मिल रही है। यहाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जय शाह के लिए आईसीसी चेयरमैन बनने का इससे सही समय नहीं हो सकता, क्योंकि 2025 से 2028 तक कूलिंग पीरियड होता है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई के संविधान के तहत अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 साल तक एक ही पद पर रहता है, जिसके बाद 3 साल तक उसे रेस्ट लेना होता है, यानी वो कूलिंग पीरियड होता है। ये तो बीसीसीआई की बात है, लेकिन अगर आईसीसी की बात करें तो जय शाह वहां पर भी 2 बार लगातार आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं। अब ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईसीसी के चेयरमैन रहते हुए जय शाह क्या बड़े बड़े फैसले लेते हैं।